गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब हम सिंगल एंट्री की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार देख लें। मिस्टर अशोक कीप्स हिज बुक्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दे रखी हैं मार्च 10 की, मार्च 11 की, ये टोटल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आपको जब कैश के ट्रांजैक्शन दिए होते हैं, इसका मतलब है कि हमें कंप्लीट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनानी है। उसके लिए फिर हमें कन्वर्जन मेथड अप्लाई करनी होती है। ठीक है, सो करते हैं शुरू। इसमें ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा, एज ऑन नहीं आएगा 31 मार्च 2011 के लिए। ठीक है, और ये बैलेंस शीट हो जाएगी हमारी के साथ। अब हमें जो बनाना होगा, एक तो हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा देख लीजिए कि अगर डिपॉजिट और विड्रॉल वगैरह अगर वर्ड यूज किए हैं तो इसका मतलब लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश इन हैंड एट दी एंड, तो इसका मतलब है कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन आपको अलग अलग हैं। तो रिकमेंडेशन है फिर आप कॉलमनर कैश बुक बनाएं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, तो दोनों में कोई अगर मिसिंग फिगर होंगी तो वो निकल आएंगी। ठीक है, कॉलमनर कैश बुक बनाने के साथ फिर हम डेटर क्रेडिटर अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये हमारा डेटर अकाउंट्स बन जाएगा, और ये क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बैलेंस शीट और बनानी है। कौन सी? मार्च 2010 की। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010, ये छोटी सी बैलेंस शीट बना लीजिए। ठीक है, ये एक तरह से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो क्योंकि छोटा सा समय, इसलिए ट्रांजैक्शन हमारे इजीली हो जाएंगे। अब जो स्टेप्स हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेज लेजर में, फिर कैश के ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट, फिर क्लोजिंग बैलेंसेज, फिर उनकी बैलेंसिंग फिगर्स, जो हमारे नॉर्मल स्टेप्स हैं वो अप्लाई करें। चलिए करते हैं। सो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेज डाल दें, जैसे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, जो भी बैलेंसेज दिए हैं उनको लिख लें। तो क्रेडिटर हैं तो क्रेडिटर हमारे यहाँ आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर का हमें बैलेंस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमें टोटल इकट्ठा दिया हुआ है। देखो गौर से, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमें 14,000 दिया है,
तो हम एक काम करते हैं, कैश और बैंक ऐसे लिख लेते हैं, और इनका टोटल 14,000 है, क्योंकि हम अगर हमारे अलग अलग निकल आए तो हो सकता है फिर हमें अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे। चलिए अब आगे पढ़ें, इनके जो बैलेंसेज हैं इनको रेलेवेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दें। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस अलग अलग नहीं दिया है, तो अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया नहीं है, क्रेडिटर का हमारे को ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना 30,000 रुपये। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें पढ़ें। जैसे रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, सेल्स रिटर्न है, तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स में कुछ लिखा है इन्होंने, 1,30,000 है। अब इसमें से यहाँ पर ये लिखा है कि चेक रिसीट फ्रॉम डेटर्स कितना है, दिख गया 1,25,000, यानी कि चेक हमें 1,25,000 के मिले हैं और कैश कितनी मिली है 5,000 की। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैश 5,000 और बाय बैंक 1,25,000। तो टू डेटर्स, कैश में आप 5,000 लिखें, बैंक में 1,25,000। इसके बाद सेल रिटर्न्स और बैड डेट्स वो यहाँ लिख दें, तो सेल रिटर्न और बैड डेट्स कितने कितने हैं, सेल रिटर्न 3,000 की सेल रिटर्न है, बैड डेट्स हमारे 1,000 के। ठीक है, अब टोटल सेल दे रखी है 1,50,000 की, इसका मतलब या तो क्रेडिट सेल निकलेगी तो कैश निकल आएगी, और कैश सेल होगी तो क्रेडिट सेल निकल आएगी। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड रिटर्न आउटवर्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा हमारा, और रिटर्न आउटवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा है 1,500 और रिटर्न आउटवर्ड है हमारा 1,000। ठीक है, आगे बढ़ें, कैपिटल दी है 15,000 की, फ्रेश कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट बैंक में चली जाएगी 15,000 की। इसके बाद है कैश परचेज 2,000, तो परचेज में जो कैश से खरीदी है वो 2,000 खरीदी। फिक्स एसेट्स एंड पेड बाय चेक्स, तो वो 1,000 हमने फिक्स एसेट्स के लिए हैं। इसके बाद ड्राइंग्स भी दिए इन्होंने 6,500 जो चेक से गई हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये नगद पैसे जमा कराए हैं, कितने 18,500 नहीं 10,000 जमा करें, 18,500 तो निकाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, तो बैंक में 10,000 जाएंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऐसे ही बैंक से निकाले हैं कितने 18,500, ये कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी हमने। ठीक है, अब आगे पढ़ें, कैश इन हैंड एट द एंड, ओके 2,500 है, तो इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस इसका दे रखा है कितना 2,500। क्रेडिटर को पे करा है 1,20,000, दिया है इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, और 20,000 रुपये हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं। अब जो 20,000 एक्सपेंसेस पे किए हैं ये नहीं कुछ लिखा है, तो ये मानते हैं हम कि ये इन्होंने कैश से ही दिए हैं। ओके, ये मैंने ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं, इनके दूसरे इफेक्ट अब दे देते हैं। चलिए, अब क्लोजिंग बैलेंसेस और लिख लीजिए। चलिए फिर बाद में करते हैं इसको, दूसरे इफेक्ट हम बाद में इकट्ठे देंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, ठीक है जी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट छोड़ दीजिए, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटल 16,000 है, तो ये कितना आएगा 13,500। कैसे निकाला मैंने, 16,000 में से 2,500 तो कैश का बैलेंस हो गया, तो बाकी बैंक का होगा, ठीक है। और सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 36,000। जब भी कभी कोई ओपनिंग नहीं दिया हो तो ध्यान रखना कोई पजल होगा। ओके, अब सबसे पहले बैंक का टोटल करिए, तो बैंक का जो टोटल आएगा 1,20,000, 1,38,500, 1,39,000, 42, 52, 53, 1,59,500, 1,59,500, ठीक है। इस तरफ का टोटल आ रहा है ये 9,500, ये बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। अब अगर बैंक का बैलेंस 9,500 तो कैश का बैलेंस कितना होगा, टोटल तो 14,000 है ना, तो कैश का बैलेंस हो गया 4,500। अब जरा कैश का टोटल करिए, इस तरफ का टोटल आ रहा है 23,28 और इस तरफ का टोटल ज़्यादा है, कितना है 34,500। तो यहाँ बैलेंस आया कितना, कितना बैलेंस आ रहा है 6,500, ये क्या मानेंगे हम, कैश सेल। अब कैश सेल मेरी 6,500 है और टोटल सेल क्वेश्चन में कितनी दी है 1,50,000, तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल कितनी होगी 1,50,000 में से जो कैश सेल है वो हटा दीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए कि डेटर अकाउंट का इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है 1,20,040, ये आ रहा है 1,70,000, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 26,500। तो ये 26,500 क्या है मेरे डेटर्स। तो देखिए आप, पहले मैंने कैश एंड बैंक का टोटल किया, कैश एंड बैंक से मैंने कैश की ओपनिंग बैलेंस निकाला, कैश की ओपनिंग बैलेंस से कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैश सेल, और कैश सेल से फिर मैंने डेट टोटल क्रेडिट सेल निकाली, और क्रेडिट सेल से हमारा डेटर का ओपनिंग बैलेंस निकल आया। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई। अब इसका टोटल करें जरा, कितना आता है ये 739, ये आएगा 79,500, 79,500, तो बैलेंसिंग आएगी 48,500। ये क्या होगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। बस इसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली हैं, अब इनको रेलेवेंट जगह प्लेस कर दें।
ठीक है। चलिए, ओपनिंग स्टॉक था कितना, 16,000, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक 16,000 है, सेल मेरी कितनी निकली है क्वेश्चन में दिए 150,000। ओके, अब डेटर से निकला है, क्रेडिटर का भी बैलेंस करके परचेज निकाल लें। तो ये क्रेडिटर से इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, 147,500, तो 117,500, दिस इज योर क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज निकल आई है, कैश परचेज आपको क्वेश्चन में 2,000 रुपये दी है, तो टोटल परचेज कितनी आ गई, 2,000। चलिए, अब कैश एंड बैंक से जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको लिख दें। ओपनिंग बैलेंस शीट से जो फिक्स एसेट्स हैं मेरी इनर कॉलम में आ जाएंगी, ठीक है जी। स्टॉक चला गया, डेटर मेरा चला गया, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कैपिटल मेरी तो ओपनिंग बैलेंस था 48,500, वो इनर कॉलम में आ गया। अब कैश बुक में जाइए, कैश बुक में देखिए क्या लिखा है। फिक्स एसेट्स खरीदी थी हमने 1,000 की, ड्राइंग थी 6,500 की, और एक्सपेंसेस पे किए थे हमने 20,000। तो जो एक्सपेंसेस पे किए हैं 20,000, वो यहाँ लिख दिए। जो फिक्स एसेट्स खरीदी हैं 1,000, वो यहाँ लिख दी। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल को ये वो ऐड करेंगे, ड्राइंग्स 6,500 क्वेश्चन में दिए कि लिए निकालिए मतलब, ठीक है। इसके बाद कैपिटल से 15,000 एडिशनल कैपिटल आई थी, वो भी हमने ले लेना है। 15,000 की एडिशनल कैपिटल है, ओके। अब जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उन्हें देख लीजिए। क्रेडिटर का क्रेडिटर में चला गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हैं कितने हैं, क्लोजिंग के 500। फिक्स एसेट्स की क्लोजिंग है 22,000 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 22,500। सो क्लोजिंग स्टॉक 22,500, ये टोटल 24,000 है। क्वेश्चन में दिया है कि क्लोजिंग 22,000 है, इसका मतलब जो आएगा 2,000 वो क्या होगा, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स आ जाएगा हमारा 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,500, डेटर की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख लीजिए कितने हैं, डेटर के क्लोजिंग बैलेंस 36,000, ठीक है। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 25,000, कैश का बैलेंस था 2,500, तो बैंक का बैलेंस हमने 13,500, क्योंकि टोटल 16,000 का बैलेंस हमें दिया हुआ था, ठीक है। सो देख लीजिए अब एक बार, ओपनिंग बैलेंस सारे लिख लिए हमने, क्लोजिंग बैलेंस सारे लिख लिए, कुछ छूट रहा है नहीं, बस अब टोटलिंग कर दीजिए। ओके, तो पहले ट्रेडिंग पीएल में देखेंगे
तो ट्रेडिंग पीएल का जो टोटल आ रहा है वो इस तरफ कितना आएगा, एक लाख पचास हजार है ये। क्यों काट दिया, क्योंकि सेल रिटर्न भी तो है। कितनी, 3,000, तो ये 1,47,000 बचेगा। ऐसे ही ये 1,19,500 है, इसमें से जो परचेज रिटर्न है वो थी 1,000, तो 1,18,500 बचेगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनको हम हटा देते हैं। तो अब इसका टोटल करें, ये आया 1,69,500, 1,69,500, तो 35,000 का क्या है ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसमें क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग ऐड करिए, ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग लेस करिए, तो ये 19,500 आएगा। ठीक है, बैड डेट्स क्वेश्चन में दे रखे थे 1,000, ठीक है जी, बैड डेट्स हमारे 1,000 थे, और डिस्काउंट जो क्रेडिटर से आई थी, नॉर्मली हम लोग इमीडिएटली दूसरे इफेक्ट दे देते हैं और वही सही तरीका है। तो ये 36,500, 36,500 नेट प्रॉफिट हमारा 14,000 आएगा। ठीक है, 14,000 ऐड करिए 15,000 की एडिशनल कैपिटल, तो ये हो गया 71,000, तो ये आएगा 96,500, और इस तरफ भी 36,000, 96,500 सेम ही आएगा ये, डोंट वरी। इसमें मेजरली कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था, सिर्फ इसमें जो समझने वाला पॉइंट था वो था कि ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से कैश सेल निकलनी थी और वहाँ से हमारी फिर क्रेडिट सेल, वो जो वर्किंग थी वो थोड़ी अर्जेंट अच्छी थी, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा क्लियर है क्वेश्चन। थैंक यू।